क्या आप चाहते हैं कि मेरा इंटरनेट चलता रहे और मेरे फ़ोन में किसी का कॉल ना आए? क्या आप चाहते हैं कि आप, क्या आप बहुत बिजी रहते हैं कि आप, क्या आप चाहते हैं कि मेरे फ़ोन में मतलब किसी का कॉल ना आए और मेरा फ़ोन चलता रहे, मेरे में इंटरनेट चलता रहे, उसी तरह इंटरनेट चलता रहे और मेरे में फ़ोन में मेरे में किसी का फ़ोन कॉल ना आए, कोई रुकावट ना आए किसी में? या कि आप कहीं बिजी रहते हो बहुत ज़्यादा ही, मतलब आप फ़ोन में ही बात कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका फ़ोन बंद बताए, कोई अदर व्यक्ति अगर आपके फ़ोन में कॉल करता है तो आपका फ़ोन बंद बताए और आप कहीं और बिजी हैं लेकिन आपका फ़ोन बंद होता है, तो कैसे हो गई, कैसे सेटिंग? तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये सेटिंग कि आपको फ़ोन कैसे बंद बताएगा। एक कॉल फॉरवर्डिंग होती है, उससे भी आपका नंबर जो एक कॉल फॉरवर्डिंग बताता है कि बिजी ही बताता रहता है, बट एक और ऑप्शन मैं सेटिंग बताऊँगा, कॉल बैरिंग, कॉल बार रिंग क्या है ये, मैं इसके बारे में बताऊँगा आपका, तो आपका फ़ोन बंद बताएगा आपको, आप कहीं बिजी रहेंगे लेकिन आपका फ़ोन बंद बताएगा, ये सेटिंग कर लेंगे तो आप कुछ भी अपने फ़ोन में वर्क करते रहेंगे, किसी भी इंटरनेट कैसे भी यूज करते रहेंगे लेकिन आपके में किसी का कॉल नहीं आएगा, कोई भी आपके में कॉल करेगा तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ बताएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम योगेंद्र केवट है, आप सभी का स्वागत है नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में अभी नए नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैं बताता हूँ आपको कैसे आप यूज कर जाएंगे। तो यहाँ से आप आपको जाना है कॉल सेटिंग में, तो सब कोने में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करना, आपको में थ्री डॉट दिख रहा होगा या कि एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक करेंगे जैसे अपनी सेटिंग में। जैसे मैं अपनी सेटिंग में आ गया हूँ तो देखिए यहाँ आपको मेरे को कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे कॉल फॉरवर्डिंग। दो तरीके से हम अपने कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं या कि बंद कर सकते हैं अपने, कि कोई भी व्यक्ति फ़ोन लगाता है अगर तो हमारे फ़ोन में ना लगे, तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। तो चले चले सबसे फर्स्ट मैं बताता हूँ आपको कॉल फॉरवर्डिंग। कॉल फॉरवर्डिंग जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, सिम को आप चुन लेंगे, तो मैं यहाँ से एक सिम में कोई चुन लेता हूँ। अब यहाँ से आपको दिख रहा है वॉइस कॉल कि वीडियो कॉल, तो यहाँ से हम आपको वॉइस कॉल में क्लिक कर लेंगे। वॉइस कॉल में जैसे ही क्लिक कर देंगे, देखिए अब ये चूज कर रहा है, तो थोड़ा सर्च करने में टाइम लगता है। तो यहाँ से अब आप देखिए आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपका क्या बताएगा, ऑलवेज फॉरवर्ड, जैसे कोई व्यक्ति आपको फ़ोन लगाता है तो फॉरवर्ड बताएगा, या कि वैन बिजी, या कि अनएंसर्ड, वैन अनरीचेबल, अनरीचेबल। तो यहाँ से आपको जो भी करना हो वो ऑप्शन आप चुन के यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का फ़ोन नंबर डाल देना है, कोई भी यहाँ पे गलत 10 अंकों का नंबर यहाँ पे डाल के आप कोई भी नंबर आप ऐसे ही डाल के ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप ऑन कर देंगे तो यहाँ से आपका कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। तो आप ऐसा कोई नंबर डालिएगा जो कि हमेशा बंद रहता हो, तो आपका फ़ोन बंद ही बताएगा, तो ऐसा कोई आप अनादर नंबर डाल सकते हैं। और एक सिंपल तरीका भी और आपको बता दूंगा, यहाँ से डाल के सेव कर दीजिए, यहाँ से ऑन हो जाएगा आपको। और अगर आप यहाँ से नहीं कर सकते तो डायरेक्ट आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अब हम जाएंगे अपने कॉल बार में, तो डायल बार में जैसे ही हम निकालेंगे तो यहाँ से आप सीधे क्या डायल करेंगे, यहाँ आपको *21* और जिस भी कोई सा भी नंबर जिसमें भी आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कोई भी आपका बंद नंबर पड़ा हो तो आप वहाँ पे 10 अंकों का नंबर ऐसे ही डाल दीजिए, कोई भी 10 अंक का कोई नंबर भी डाल दिया हूँ, और इसमें से सिंपली मैं जिस भी सिम से करना होगा वो सिम में कॉल फॉरवर्डिंग कर दूँगा। तो ये देख ली, कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन वॉज सक्सेसफुल, यहाँ से मेरा कॉल फॉरवर्डिंग हो गया डायरेक्टली, यहाँ से डायल से ही मैं कर सकता हूँ, सेटिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमको यहाँ से बाहर निकलना है, तो बाहर कैसे निकलेंगे, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग हमने कर दिया लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम अपना कॉल फॉरवर्डिंग हटा दें, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, *#00#, फिर सिंपली जिस भी सिम में आप कॉल फॉरवर्डिंग किए हो उसी में क्लिक करेंगे। तो देखिए आपका कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस हैज़ बीन डिसेबल्ड, यहाँ से आपका कॉल फॉरवर्डिंग जो भी नंबर था यहाँ से डिसेबल हो चुका है। तो ये था एक सिंपल सा तरीका, यहाँ से डायल से भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरी सेटिंग कि आपका फ़ोन
किसी के बिना नंबर डाले, आप कोई भी नंबर नहीं डालेंगे, कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का कोई भी नंबर नहीं डालेंगे आप, तब भी आपका फ़ोन बंद कैसे बताएगा। तो चलिए चलते हैं, इसमें फिर से आपको जाना पड़ेगा अपनी कॉल सेटिंग में। कॉल सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, कॉल बार रिंग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वो नंबर चुन लीजिए जो आपका बंद करना चाहते हैं जी, मतलब इसमें मेरा फ़ोन कॉल ना है। तो मैं जैसे एक नंबर चुन लीजिए, अब यहाँ थोड़ा टाइम लग, तो देख लिया, अब यह हमारा सर्च कर चुका है। तो अब यहाँ से आपको कई बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि ऑल आउट गोइंग कॉल, मतलब आपके यहाँ से कॉल नहीं लगनेगी। तो आप चाहते हैं मेरे यहाँ से कॉल लगे बट कॉल आए ना, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम जिसको भी कॉल लगाएं वहाँ से कॉल लग जाए, बट अगर हमारे में कोई कॉल लगाए तो वो कॉल ना आए हमारे में, मतलब इनकमिंग कॉल बंद करना चाहते हैं हम। तो यहाँ आपको नीचे दिख जाएगा फोर्थ नंबर में, रिजेक्ट ऑल इनकमिंग कॉल, रिजेक्ट ऑल इनकमिंग कॉल। जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे तो ये 4 भी डिजिट का कोई पासवर्ड नंबर मांगता है, तो आप 1 2 3 4 डायल कर सकते हैं या कि 0 0 डायल कर सकते हैं, बस इतना सही करना है। कोई सा भी 1 2 3 4 बस इतना ही रहता है। तो यहाँ से आप कॉल फॉरवर्डिंग, मतलब ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, या कि पासवर्ड 4 अंक का रहता है 1 2 3 4, या कि 1 1 1 1, या कि 0 0 0 1, ये डाल के आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आपका इनकमिंग कॉल, जितनी भी इनकमिंग कॉल आएगी सब की सब बंद हो जाएगी, आपको कोई भी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझ में आ ही गया होगा आपको। तो अब आपको अच्छे से तो पता चल ही गया होगा कि आप अपने फ़ोन कॉल को मतलब बंद कैसे बता सकते हैं, आप इनकमिंग कॉल को आप बंद कैसे कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करता है तो आपका फ़ोन बंद कैसे बताएगा और आपका फ़ोन चालू रहेगा, आप अपने फ़ोन में वर्क करते रहेंगे, इंटरनेट चलाते रहेंगे, किसी से बात करते रहेंगे, लेकिन कोई भी अदर व्यक्ति आपको फ़ोन करता है तो आपका फ़ोन बंद बताएगा, और आप किसी को फ़ोन करेंगे तो आपका फ़ोन लग जाएगा, बात होगी, आप करेंगे आउट, आपकी आउट गोइंग ऑन रहेगी और इनकमिंग कॉल जो रहेगी वो बंद हो जाएंगी। ये वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा कि आपका कॉल हैक तो नहीं है, कहीं आपकी कॉलिंग को कोई हैक तो नहीं किया है, कहीं आपकी गैलरी को कोई हैक तो नहीं किया है, कहीं आपके फेसबुक को तो कोई हैक नहीं कर लिया है, कहीं आपके व्हाट्सएप को तो कहीं हैक नहीं कर लिया है। तो मैं ये सब ये वाली वीडियो में बताया हूँ, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और पता कर लीजिएगा कि कहीं आपका फ़ोन हैक तो नहीं है, व्हाट्सएप तो हैक नहीं है, कॉलिंग तो हैक नहीं है, फेसबुक तो हैक नहीं है, तो उससे आप पता कर लीजिएगा। और अगर आपका कॉल हैक है तो आप उसको बंद कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको उस वीडियो में बताया हूँ, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, तो आप जाकर वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना ताकि आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।